सभी को जय हिंद। इंडियन एक्सेप्शन चैनल आप लोगों का वेलकम है। पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती आई है जिसमें कि पेमेंट रखी गई है 40,000 रुपये। तीन टाइप की वैकेंसीज है। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें। घंटी का निशान भी जरूर दबा दें जिससे कि सभी खबरें आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर समाचार और जॉब से रिलेटेड जानकारी। ये सभी वैकेंसियाँ DGR की तरफ से आई हुई है, लेकिन पेमेंट अच्छी खासी। दोस्तों, सबसे पहले जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकल के आ रही है, DRDO, और यहाँ पे जो पोस्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ की है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखी गई है और जिसमें पेमेंट दी जाएगी 35,000 रुपये पर मंथ फिक्स रखी गई है। जो भी 10th पास हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी 15 साल सर्विस कम से कम है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो इसके लिए अप्लीकेबल हैं। काम जो होगा एक असिस्टेंट के तौर पे होगा, जो डाक होते हैं, फाइल होते हैं, लेटर्स एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, इस तरह से जो ऑफिस का काम होता है इसी तरह से काम होगा। और जो एडिशनल जॉब इंफॉर्मेशन, टू वर्क इन रिमोट एरिया 8 नॉन फैमिली स्टेशन आपको काम करना होगा। प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जो एज है दोस्तों 45 ईयर लास्ट रखी गई है। टोटल जो वैकेंसीज हैं 34, यानी कि 34 वैकेंसीज हैं। जो यहाँ पे छुट्टी मिलेगी 30 दिन की मिलेगी, एक साल में 30 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी। 6 दिसंबर 2021 तक आपका नाम DGR में पहुँच जाना चाहिए थ्रू जिला सैनिक बोर्ड या फिर राज्य सैनिक बोर्ड के। दूसरी जो वैकेंसी दोस्तों, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय DRDO की तरफ से निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है, व्हीकल ऑपरेटर यानी कि ड्राइवर की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखी गई है, और जिसमें पेमेंट दी जाएगी 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। जो भी 12th पास हैं और जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि ड्राइवर ट्रेड के हैं, जो फौज में थे, वो इसके लिए अप्लीकेबल हैं। 15 साल कम से कम फौज में सर्विस किया हुआ होना चाहिए। और जो जॉब फंक्शन रहेगा दोस्तों, सभी व्हीकल आपको चलाने आने चाहिए। और जो एडिशनल जॉब इंफॉर्मेशन है, टू वर्क इन रिमोट एरिया 8 नॉन फैमिली स्टेशन। और यहाँ पे जो पोस्टिंग रहेगी दोस्तों, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, यानी कि ये लोग यहाँ पे पोस्टिंग रहेगी आंध्र प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इन स्टेटों में पोस्टिंग रहेगी। जो एज रखी गई है 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। 50 वैकेंसीज टोटल रखी गई है और छुट्टी मिलेगी 30 दिन मिलेगी एक साल के अंदर, और जिसके लिए आपको पेमेंट दिया जाएगा 6 दिसंबर 2021 तक। आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से DGR को पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी DRDO की तरफ से निकल रही है। सभी वैकेंसी DRDO की तरफ से निकली हुई है। और यहाँ पर जो पोस्ट है या जो ट्रेड है, यहाँ पर जो हलवाई कम कुक हैं, असिस्टेंट हलवाई कम कुक, वो इसके लिए उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे जो पेमेंट दी जाएगी दोस्तों, 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेमेंट दी जाएगी। जो भी हमारे कुक भाई हैं वो इसके लिए अप्लीकेबल हैं। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया, 10th पास होना चाहिए और ट्रेड उनका कुक होना चाहिए, कम से कम 15 साल आर्मड फोर्सेज में नौकरी होनी चाहिए। काम होगा दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ टी, स्नैक्स, मील्स बिसाइड ओवरऑल मेंटेनेंस, जो भी स्नैक्स हैं, चाय बनाना वगैरह, मील्स खाना बनाना, और मेंटेनेंस करना कुक हाउस वगैरह का, जो फैंट्री है, वही काम होगा जो नॉर्मल कुक भाइयों का होता है। और एडिशनल जॉब, टू वर्क इन रिमोट एरिया 8 नॉन फैमिली स्टेशन होगा। जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है दोस्तों, किस किस स्टेट के लिए, सभी वही है, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन स्टेटों में पोस्टिंग रहेगी। 45 एज लास्ट रखी गई है, 45 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 12 रखी गई है। एक साल में 30 दिन दिए जाएंगे, उसके लिए तनख्वाह दिया जाएगा। 6 दिसंबर 2021 तक आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से DGR को पहुँच जाना चाहिए। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई करना होगा। उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक में जाना होगा। जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में जो स्टाफ बैठता है, वो लोग आपका नाम, नंबर, पूरा एड्रेस, पूरी डिटेल्स लेके एक एक्सेल फॉर्मेट के माध्यम से DGR को भेज देंगे।
और वहीं से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।